नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दलित नेता जिग्नेश मेवानी को नहीं जाने दिया मेगा सिटी, पुलिस प्रशासन ने लगाई रोक। दंगों की आशंका के चलते पुलिस ने लिया फैसला। गीत गजल संग्रह का हुआ विमोचन, डॉक्टर विनय मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक तेरा होना तलाशू का हुआ लोकार्पण। मशहूर कथाकार असगर वजाहत सहित नामी हस्तियों ने की शिरकत। रघुवीर सिंह जावले स्मृति में हुआ आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। राजपूती खून को बताया प्रतिभा। एक करोड़ की चोरी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, नौकर ही निकला शाते चोर, उदयपुर का है मामला। रघुवीर सिंह जावली की स्मृति में कटीघाट स्थित एक रिजॉर्ट में राजपूत समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह थे। वहीं कार्यक्रम में अध्यक्षता मंगेत सिंह तोमर ने की और मुख्य वक्ता के रूप में यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत रहे। आन बान और शान के लिए जाने जाने वाला राजपूत समाज का हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है। श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्था द्वारा आयोजित किए गए रघुवीर सिंह जावली की स्मृति में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को सहयोग और सेवा की भावना से काम करना चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत में जब अंग्रेजों का शासन था, वह अपनी हुकूमत चलाकर राजाओं को कठपुतली बनाते थे, लेकिन उस दौरान राजस्थान के राजाओं ने अपनी काबिलियत और प्रतिभा का अंग्रेजों को लोहा मनवाया और उन्होंने कहा राजपूती खून में भी एक विशेष प्रतिभा होती है और समाज का हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का समाज हित और देश हित में उपयोग करे। जब वापस पधारेंगे तो कोई एक चीज, एक सिंपल एक चीज आप जरूर सोच के जाना, मान करके जाना और अगली बार जब अगले साल आप पधारोगे वापस तो उस पर आप अमल करके वापस पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों के राज के अंदर सिर्फ एक वो व्यक्ति थे जिनको वो प्रमोशन मिला और क्वीन ऑफ इंग्लैंड की के हस्ताक्षर से उनको वो अपॉइंटमेंट मिला, नहीं तो कोई भी हिंदुस्तानी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, सिर्फ उनकी काबिलियत से। काबिलियत आप सबों के अंदर है, आपके खून के अंदर काबिलियत है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। आयुवान सिंह स्मृति संस्थान के द्वारा सन 1995 से रघुवीर सिंह जावली जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आज कटीघाटी रोड स्थित एक रिसोर्ट में कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी, यूआईटी के चेयरमैन देवी सिंह जी और देवी सिंह जी महार सहित अन्य राजपूत समाज के गणमान्य जन व छत्राणियाँ मौजूद रही और सबने एक ही साथ ये संकल्प लिया, दीनहीन गरीब निर्बल की सहायता करने वाला ही क्षत्रिय होता है और हर व्यक्ति में काबिलियत होती है और उस काबिलियत के साथ ही हम आम जन की सेवा करें और आगे बढ़ें। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज़ अलवर। गुजरात के बड़गांव विधायक जिग्नेश मेवाणी को रविवार को जयपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वे मेटदार रोड में रविवार को राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में भाग लेने गए थे। प्रशासन ने मेटदा में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जिग्नेश के आने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क था। प्रशासन ने बीती रात को ही नागौर जिले में धारा 144 लगा दी थी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर किसी भी आशंका के चलते प्रदेश के अनेकों जिलों में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं राजस्थान के मेटदा सिटी नागौर में गुजरात के बड़गांव विधायक जिग्नेश मेवानी के दौरे की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसे लेकर शनिवार दोपहर थाना परिसर में एसपी पारस देशमुख ने सीएलजी की बैठक ली। वहीं जिग्नेश के कार्यक्रम की आने की सूचना मिलने के बाद पूरे जिले में अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। मेटदा रोड पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राज्य स्तरीय जयंती समारोह रविवार को रेगा समाज के भवन परिसर में मनाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद रहा।
इस कार्यक्रम में विधायक जिग्नेश के अलावा भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर सहित दलित समाज से जुड़े अनेक नेता और पदाधिकारी शिरकत करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिग्नेश को इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान मेवाणी ने राजस्थान सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया कि राजस्थान में मेरे आने से वसुंधरा राजे सरकार किस हद तक बौखला उठी है उसका ये एग्जाम्पल है। आज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन, उनके मूल्य, उनके आदर्श, उनकी फिलोसफी और हमारे देश के संविधान, इस मुद्दे पे मैं बात रखने के लिए पब्लिक मीटिंग में जा रहा था तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी ने एक लेटर इश्यू किया है कि जिग्नेश मेवाणी की वहां पर एंट्री न की जाए। न केवल उतना, फिर वहां से मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला जयपुर एयरपोर्ट से तो पुलिस के सारे काफिले ने मुझे घेर के रखा है। मैंने पूछा आप कौन से कानून के तहत मेरी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनका उसके पास कोई जवाब नहीं, लिखित में भी उनके पास कुछ नहीं है। तो जयपुर में, राजस्थान में कहीं पर भी मैं न घूमूं उस प्रकार का एक माहौल बना के उन्होंने रखा है। मेरी एंट्री को पूरे राजस्थान में उन्होंने रोक के रखा है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली, गैरकानूनी तौर पे। नया आयाम और सरगम संस्था द्वारा होटल इंद्रलोक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विनय मिश्र द्वारा गजल संग्रह पर आधारित पुस्तक तेरा होना तलाशु का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर कथाकार असगर वजाहत रहे। डॉक्टर विनय मिश्र के दूसरे गजल संग्रह तेरा होना तलाशु का लोकार्पण आज एक होटल में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि की अध्यक्षता जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर कथाकार असगर वजाहत रहे। वहीं अध्यक्षता कवि राम कुमार कृषक ने की। साथ ही इग्नू के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉक्टर शंभुनाथ तिवार, साहित्यकार ज्योत्सना प्रभा तथा अनु जसोटिया विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान हिंदी गजल पर राष्ट्रीय विमर्श किया गया और डॉक्टर विनय मिश्र की पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इस दौरान इंद्र कुमार तोलानी, रामचरण राग, रामधमार आलोक सहित काफी संख्या में साहित्यकार और कवियों ने भाग लिया। वहीं मंच संचालन प्रदीप प्रसन्न और सीमा विजयवर्गीय ने किया। किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। अपनी सीमाओं में रहते हुए जो कुछ कर पाया हूं आज आपके सामने है, इसलिए आज मेरे बहुत कुछ कहने का दिन नहीं है, आज मेरे सुनने का दिन है। और इसलिए भी सुनने का दिन है खासतौर पर कि आज मंच पर गजल पे कहने के लिए देश के एक से बढ़कर एक हमारे विद्वान, समीक्षक, कवि, हमारे हम सब के, आप शहर के नहीं, देश हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के प्रिय लेखक, शीर्षस्थ लेखक और स्टार लेखक मैं कहूँगा, आदरणीय असगर वजाहत जी हमारे बीच में। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि, और मैं उससे ऊपर उठकर कहना चाहता हूँ कि हाँ, सभी यहाँ स्टार आलोचकों में से एक से एक बढ़कर एक हैं, लेकिन हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो आप सब हैं जो यहाँ सुपरस्टार के रूप में मौजूद हैं। गज़ल का कोई बहुत शास्त्रीय अध्ययन करना या उसकी व्याख्या करना, इसमें मैं कभी गया नहीं, तो मैं एक सामान्य और साधारण गज़ल के पाठक के रूप में ही आपके सामने कुछ बातें, क्या कुछ सवाल रखूंगा, अपनी कुछ चिंताएं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं विनय मिश्र जी को बहुत बधाई देता हूं, एक बहुत कठिन और मुश्किल विधा में वे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदयपुर के सूरजपाल थाना को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे बाद ही चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चुराया गया सोना, डायमंड और लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली है। शहर के बापू बाजार स्थित सिल्वर एम्बोरियम में शनिवार को चोर शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घटना में शामिल आरोपी संस्थान का ही कर्मचारी निकला। एएसपी हर्ष रत्नू ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी देवेंद्र सभी की नजरों से बचते हुए रात को सिल्वर एम्बोरियम में ही छिप गया था। उसके बाद उसने आराम से वहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसके पास जो चाबी थी उससे ताला खोलकर वह वहां से निकल गया और घटना की जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में किसी परिचित के शामिल होने का अंदेशा हुआ। पुलिस ने वहां कर्मचारियों से पूछताछ की तो देवेंद्र पर शक हुआ। देवेंद्र से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी आरोपी देवेंद्र करीब 9 महीने से यहां काम कर रहा था। पुलिस ने देवेंद्र की निशानदेही पर चुराए गए करीब 2 किलो सोने के जेवर, 50 लाख रुपए कीमत के डायमंड और 8,40,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व अखिल भारतीय मुस्लिम मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम मंदिर तो बहुत है लेकिन राम जन्म स्थान एक ही है। उन्होंने कहा कि किसी से भी पूछने पर वह बता देगा कि राम जन्म स्थान उत्तर प्रदेश की अयोध्या में है। उन्होंने दावा किया कि सरकार और कोर्ट की ओर से विवादित ढांचे को लेकर जब खुदाई की गई तो खुदाई में वहां एक भी इस्लामिक चिन्ह नहीं मिला। अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट को मूल में जाना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर जाएगा सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनानी है तो अयोध्या और फैजाबाद के बाहर बनाए, हिंदुस्तान को अब फसाद मुक्त बनाना होगा। इंद्रेश कुमार आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हिमालय परिवार की ओर से आयोजित राम जन्मस्थली अयोध्या का सच विषय पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये विवाद राम जन्मभूमि अयोध्या वर्सेज विवादित ढांचे का है और इस्लाम में कहा गया कि विवादित स्थान पर मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने बताया कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दान नहीं दी गई, किसी ने इसे खरीदा भी नहीं। साथ ही इस्लाम के मुताबिक किसी भी बादशाह या व्यक्ति के नाम से मस्जिद आदि बनाना भी उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि बाबर ने तो मुसलमानों से खुदा छीना और बाबर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को सोचना चाहिए कि उसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। इंद्रेश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम विदेशी अंग्रेजों को अपना इतिहास क्यों माने, उन्होंने तो यहाँ आकर सिर्फ लूटपाट ही मचाई। विदेशियों ने हमें सिर्फ अनपढ़, बेरोजगारी और बीमारी ही दी। कहीं भी देश में विदेशी अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय और शिक्षा के दूसरे अन्य केंद्र नहीं खोले, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं दी, सिर्फ एक ताजमहल बनवाया और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नहीं दिया। इनका राजनीतिक नजरिया है ऐसा है कि उनको वोट से और हिंदुस्तान को लड़वाने और बांटने से मतलब है, इसलिए अब वो मंदिर भी जाते हैं। इधर वही कांग्रेस और दल कह रहे थे राम एक मिथ है। जजों ने भी कहा कि राम की असलियत क्या है, पर रामनवमी की छुट्टी सब इंजॉय करते हैं, वो उसमें ये नहीं कहते कि अब रामनवमी की छुट्टी नहीं चाहिए। दूसरा, सब मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे, पर इधर आकर नाटक करेंगे। श्री नारायण सेवा संस्था द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में कृत्रिम अंग वितरण का शिविर लगाया गया। यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र जैन की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल की माताजी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शहर विधायक के पिता स्वर्गीय हरिश्चंद्र जैन की स्मृति में आयोजित यह कृत्रिम अंग वितरण शिविर दूसरी बार लगाया गया है। इस दौरान उनकी माता श्रीमती संचरा देवी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल, राजेश सिंघल, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और सभापति अशोक खन्ना मौजूद रहे। संस्था से जुड़े प्रदेश प्रमुख रामस्वरूप वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा यह प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यहां कृत्रिम अंगों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा और अन्य अंग विहीन जिनके हाथ या पैर किसी दुर्घटना में कट गए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और पिछले शिविर में जिन लोगों के कृत्रिम अंगों के लिए नाप लिया गया था उन्हें भी आज सौंप दिए गए हैं। आदरणीय आर एस वर्मा साहब के सानिध्य में कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव
श्री कैलाजी मानव सेवक प्रशांत भैया के सानिध्य में ये कैंप आयोजन हो रहा है। जैसे कितने कैंप लगे और किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं? यहाँ पर 14 कैंप लग चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं बेहतर रहती है। दिव्यांग भाई बहनों की सुविधा मिले हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। चाहे कृत्रिम उपकरण बंटे, चाहे कृत्रिम अंग बंटे, चाहे उनके दिव्यांग शादी हो, चाहे उनको टैलेंट शो हो या फैशन शो हो या अवार्ड फंक्शन हो, सभी कैंप में संस्थान बढ़ चढ़ कर काम लेती है, जिसमें आदरणीय श्री आर एस वर्मा साहब इस राजस्थान से पहले नंबर पे संस्थान का कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप में गौरवान्वित है। नारायण सेवा संस्थान की तरफ से अंगहीन भाई बहनों के लिए, जिन्होंने पूर्व में अपना कटे हुए हाथ पैर का नाप दिया था, उनके कृत्रिम अंग वितरण किए जाएंगे। नारायण सेवा संस्थान ने पूर्व में 13 कैंप आयोजित किए हैं, जो अलवर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए हैं। नारायण सेवा संस्थान का प्रयास ये है कि जो भी दुखी ऐसा है लोग या दिव्यांग भाई बहन जो हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए संस्थान का पूरा प्रयास ये रहता है कि वह वहाँ तक पहुँचें जिनको आवश्यकता है। चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दलित नेता जिग्नेश मेवानी को नहीं जाने दिया मेड़ता सिटी, पुलिस प्रशासन ने लगाई रोक, दंगों की आशंका के चलते पुलिस ने लिया फैसला। गीत गजल संग्रह का हुआ विमोचन, डॉक्टर विनय मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक तेरा होना तलाशू का हुआ लोकार्पण, मशहूर कथाकार असगर वजाहत सहित नामी हस्तियों ने की शिरकत। रघुवीर सिंह जावले स्मृति में हुआ आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन, राजपूती खून को बताया प्रतिभा। एक करोड़ की चोरी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, नौकर ही निकला शाते चोर, उदयपुर का है मामला। एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आज इतना ही, नमस्कार।